संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत आयुक्त संजय गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में की गई तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राहत आयुक्त ने कहा कि बाढ़ के संभावित आगमन को देखते हुए सारी तैयारियां पूरी कर लें, जिससे कि किसी भी तरह की जनहानि पशुहानि नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही बाढ़ की राहत और सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां अब ऑनलाइन की जाएंगी, जिसके लिए एनआईसी द्वारा एक ऐप जारी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने कहा, इस मीटिंग का थोड़ा सा टोन सेटअप हो जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ और वज्रपात ये दो ऐसी चीजें हैं इस सीजन में जिसमें हम लोगों को काफी नुकसान होता है, चाहे वो जनहानि है, चाहे वो हमारी फसलें हैं, चाहे वो पशुहानि है, चाहे वो हाउसेस है या और भी चीजें हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, इसमें कई चीजें के संबंध में जो जिला स्तरीय बैठक की उसमें भी इसको आंकड़े करके जो एक रिस्क असेसमेंट जो किया है उसके हिसाब से लगभग 40 जिले हैं जो हमारे अति संवेदनशील और संवेदनशील की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से 14 से और पिछली जो हमारी एक्सपीरियंस रहा है बाढ़ का उसके हिसाब से विभाग द्वारा अति संवेदनशील आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे ही संवेदनशील जिले जो 16 हैं, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहाँपुर और कासगंज, ये हमारे संवेदनशील के कैटेगरी में आते हैं। ये 40 जिले हैं जिन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे और इन जिलों के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि कृपया आज की जो एक्सरसाइज है, जो हम आज की जो हमारे एजेंडे में जो आइटम्स हैं उसको थोड़ा सा और क्लोजली देख लें, क्योंकि यही जिले हैं जो आने वाले कुछ समय में बाढ़ की स्थिति को एक्सपीरियंस करेंगे और उससे जो रिलेटेड हमें एक्शन पॉइंट्स हैं उस एक्शन पॉइंट्स पर हम लोग को काम करना होगा। स्क्रीन ब्लैक है तो दिख नहीं पा रहा है। और इसमें औसतन लगभग 2 से 2.5 हजार गाँव अफेक्टेड रहे हैं और औसतन लगभग 6 से 8 लाख की पॉपुलेशन अफेक्टेड रही है। कुछ वर्षों में ज्यादा रहा है, 2016 की बाढ़ देखा से काफ़ी भयावह थी जिसमें करीब 22-23 लाख लोग प्रभावित हुए थे और इसी से रिलेटेड जो हमारी डैमेजेस हैं, लॉसेस हैं, वो सब होते हैं। आप लोगों को सबको जानकारी अपने अपने जिलों के बारे में, तो वो उस पर मैं चर्चा अभी नहीं करूँगा। नेक्स्ट, इसमें जो हम लोगों को जो कुछ एक स्टेप्स लेने होंगे तो आप लोग एडीएम साहबान जो वहाँ पे हैं अभी थोड़ा सा नोट कर लें कि कोविड के दृष्टिगत हमने कुछ आप लोगों को एक सेटअप बनाने के लिए बोला था जो कि एक कंट्रोल रूम का था, जो हमने ये डिसाइड किया था कि अभी फिलहाल के लिए जो उसमें वीसी का सेटअप है वो आप लोग वहीं पे सेटअप कर लें जहाँ पे कोविड का कंट्रोल रूम आपका सेटअप है। कुछ जिलों में हो सकता है ये कंट्रोल रूम जो कोविड का है वो आपके जो कलेक्ट्रेट है या जहाँ पे आपका मुख्य ऑफिस है डीएम साहब का वहीं पे होगा, हो सकता है कुछ जगहों पे उससे अलग किसी जगह पे बना दिया गया हो। एक निर्देश पहले गए थे कि हम कलेक्ट्रेट में ही एक जगह आइडेंटिफाई कर लें जिसको हम परमानेंट एमरजेंसी कंट्रोल रूम के रूप में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें आपके जो बैठने की थोड़ी सी व्यवस्था रहेगी और ये वीसी की परमानेंट व्यवस्था रहेगी कि आप लोग अब उसको एक्टिवेट कर लें। जो वीसी का सेटअप आपके कोविड कंट्रोल रूम है संभवतः उसकी वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है रिलीफ पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि पिछले 2-3 महीनों में रही थी, तो आप हमें ये जो कंट्रोल रूम है इसको परमानेंटली सेटअप करना है ऐसी जगह पे जो आप लोग आइडेंटिफाई कर लें कि परमानेंटली वहाँ रह सकती है। एक कमरा आइडेंटिफाई कर लें यहाँ पे ये आपका कंट्रोल रूम विद वीसी फैसिलिटी जो आपको डेस्कटॉप है और जो आपका वीसी का जो कैमरा आप लोगों ने आप लोगों को उपलब्ध करवाया है उसका सेटअप कर लें ताकि जब भी जरूरत हो हम आपसे उसके माध्यम से वीसी कर लें। आज राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा बाढ़ से बचाव एवं सुरक्षा हेतु एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 4 घंटे की आयोजित की गई थी, जिसमें एनडीएमए
नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी हिस्सा लिया था और बहुत ही विस्तार पूर्वक अब सभी चीज़ें ऑनलाइन होंगी। बाढ़ से बचाव के लिए जिन भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, जो भी प्लानिंग की आवश्यकता होगी, उसके लिए एक NIC के द्वारा ऐप डेवलप किया गया है जो राहत की वेबसाइट पर रहेगा और उसी का विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। क्वेरीज भी पूछी की गई और प्रश्न भी पूछे गए और इंटरेक्टिव सेशन रहा। इससे हम सभी लोग लाभान्वित हुए और मुझे लगता है इससे आगे जो अगर किसी प्रकार की कोई बाढ़ आती है तो उससे बचाव में इससे मदद मिलेगी।